Good morning, dear parents, and my dear little students out there. I am here again with a new Monday and a new English session. As you can see on the screen, I have your literature book with me, and it is page number 18 here. We are going to work with the exercises of lesson number 2, that is The Little Red Kite. If you remember it clearly, this story is about a little red kite here, which was initially very afraid of flying because it was afraid of getting hurt by the sharp thorns and the sharp bushes of the and sharp branches of the trees. It was afraid of falling. It was afraid of not being able to fly. Har cheez ka dar tha, girne ka, chot lagne ka. And it was not ready to fly, but with so many efforts made by Hari and Mini, finally the little red kite started flying. And when the kite started flying, it was amazing and it felt very, very excited to be in the sky with the other kites. It was no more afraid then. Jab wo udne lag gayi, uske baad uske man mein koi bhi dar nahi raha. आई एम टेलिंग कि उसके मन में काइट डजेंट हैव अ हार्ट और समथिंग लाइक दैट. बट वेन यू हैव स्टोरीज और यू हैव चैप्टर्स इन योर बुक्स टू दे ऑल टीच यू सम लेसन्स एंड थ्रू द करेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, लाइक एनिमल, लाइक फेबल्स. फेबल्स में भी यही होता है, एनिमल्स कांट टॉक. एनिमल्स कैन नॉट बी लाइक टेलिंग अस अ स्टोरी और बींग अ करेक्टर ऑफ अ स्टोरी. बट द थिंग बिहाइंड दिस इज कि हम जो बुक राइटर्स होते हैं, स्पेशली फॉर किड्स, दे क्रिएट, दे यू नो गिव लाइफ टू थिंग्स अराउंड देम. इस काइट को भी एक लिविंग बींग की तरह दिखाया गया है जो डर रहा है कुछ नया करने से, जैसे हम बच्चे करते हैं, है ना. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे हम साइकिल चलाने के लिए, हम पहली बार उठ कर चलने के लिए, कुछ भी नया काम करने के लिए डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, वो शायद मेरी बाइसाइकिल टूट जाएगी या कुछ भी, या किसी और को चोट ना लग जाए मेरी वजह से. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. ये जो हमारे मन में बातें आती हैं, वैसे ये बातें उस छोटी सी काइट के थ्रू समझाई गई हैं. एंड वी हैव डन सम बेसिक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, लाइक वी हैव रिटन द कीवर्ड्स, वी हैव डन द वर्ड मीनिंग, एंड आई हैव गिवन यू अ लिटिल टास्क टू मेक सेंटेंसेज विद 4 वर्ड्स. So now I'll be doing exercise A with all of you on page number 18 here in the literature book. I want everybody to take out the literature book, page number 18, with your pencils. And we have a exercise that says, tick the correct answer. So we have certain options here and we have to tick on the correct one. First is, it was a perfect day for flying kites because... वो पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन था. किस वजह से? इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर. हरी वॉज इन द पार्क, क्योंकि हरी पार्क में था. नो, इट वॉज अ क्लाउडी डे. व्हेन इट इज़ अ क्लाउडी डे, इट इज़ नॉट जनरली अ गुड डे फॉर फ्लाइंग काइट्स. काइट उड़ाने के लिए मीन्स टू फ्लाई काइट्स, तो एक्चुअली जो कंडीशंस अच्छी रहती हैं वो होती हैं बिल्कुल क्लियर और थोड़ी बहुत हवा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं. और बिल्कुल हवा नहीं होगी तो भी कुछ काम नहीं बनेगा हमारा. So it was a clear and breezy day. So this option, C option, is correct. So put a tick here. Second is, the little red kite trembled because it was trembled. I told you the meaning, to shook with fear, kaampna. Wo kyun tremble kar rahi thi kite? Because it was afraid of falling, feeling cold, afraid of the other kites. Wo usko thand nahi lag rahi thi. Mujhe ye bahut ajeeb laga. That is why I have just jumped into this. फीलिंग कोल्ड इज़ नॉट द करेक्ट आंसर एट ऑल. अफ्रेड ऑफ अदर काइट्स, वो दूसरी काइट से नहीं डर रही थी, वो सिर्फ गिरने से या चोट लगने से डर रही थी. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, अफ्रेड ऑफ फॉलिंग. द रेड काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड वन, वो कब बहुत खुश हो गई? इट्स सॉ द ट्रीज एंड द बुशेज, सिर्फ ट्रीज और बुशेज को देख कर. इट स्टार्टेड फ्लाइंग, जब उसने उड़ना शुरू किया. मिनी फर्स्ट थ्रू इट अप, जब पहली बार मिनी ने उसको ऊपर की तरफ उछाला. So the correct answer is, yes, it is option B, when it started flying. जब उड़ने लगी तो वो बहुत excited थी. Then the fourth says, all the other kites
दूसरी काइट्स ने क्या किया, वेलकम द रेड काइट, स्केयर्ड द रेड काइट, डिड नॉट सी द रेड काइट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, उन सब ने रेड काइट का वेलकम किया। द पर्पल काइट वॉज अ स्मॉल काइट, मिनी काइट, अ ह्यूज काइट, बिकॉज इट इज नेम्ड देयर एज अ पर्पल मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया है वेरी ह्यूज, बिग, लार्ज, सो इट वॉज अ ह्यूज काइट। वी आर डन विद दिस। Now, talking about exercise B, there are 5 questions given to you and we have to answer it. I will be discussing these question answers and I will be providing a PDF file after this session, right after or with this session, and then you can note it down in your notebooks. I am not writing it here only because it takes too much time and it is, I think, taking like, we can use this time in some better work. सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और पीडीएफ मिलेगा और आपका होमवर्क, एज टुडे इज मंडे तो आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आपको ये सारे आंसर जो मैं पीडीएफ फाइल अभी देने वाली हूँ इस सेशन के साथ ही, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। लेट अस डिस्कस, हम एक हल्का फुल्का सा रिकैप कर लेते हैं विद दिस कि क्या है इन क्वेश्चन में। हाउ आर हरी एंड रवीज काइट्स डिफरेंट, हरी और रवि की काइट्स में क्या डिफरेंस था। बेसिक डिफरेंस वॉज ऑफ द कलर, हरीज काइट वॉज रेड एंड रवीज काइट वॉज येलो एंड ग्रीन। हरीज काइट वॉज नॉट यू नो फ्लाइंग इनिशियली, पहले उड़ नहीं रही थी, और वी कैन से हरीज काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बट रवीज काइट वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। ये डिफरेंस है। विच सेंटेंस टेल यू दैट द लिटिल रेड काइट वॉज अफ्रेड, आपको चैप्टर में किस सेंटेंस से ऐसा लगा कि वो काइट डर रही है उड़ने से। सो इफ यू कम ऑन पेज नंबर 16, you just go through the chapter and see here the sentence, I can't do it, thought the little kite, I am so afraid I might fall on a sharp branch or a cruel thorn, I could get hurt. This complete set of sentences tells us ki wo choti si kite bahut dari hui thi। ठीक है, सो आई बी गिविंग यू द आंसर्स, पूरे फ्रेम करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इट्स जस्ट अ हेल्दी डिस्कशन कि आप आंसर्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर में से। व्हाई डिड मिनी जंप हाई, व्हाट डिड शी टेल द काइट, मिनी क्यों इतने ऊंचे उछलकर उस काइट को मतलब पुश करना चाहती थी और उसने क्या कहा उसको ऊपर की तरफ उछालते हुए। सो इट इज देयर लाइक या मिनी जंप्ड हाई एंड There were no bushes or trees around. Now you must try hard when I throw you up. हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सेकेंड पार्ट ये है कि मिनी ने उसे क्या कहा ऊपर की तरफ उछालते हुए। Now you must try hard when I throw you up. उसने कहा कि अब तुम्हें ज़्यादा कोशिश, और कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोशिश अपना 100% देना पड़ेगा जब मैं तुम्हें ऊपर की तरफ फेंकूँ। और वो क्यों इतना ऊँचा उछल कर फेंकना चाहती थी, बिकॉज शी वॉन्टेड कि वो ऊपर ब्रीज के साथ ऊपर की तरफ उड़ती जाए, अब वो नीचे ना गिरे। सो मिनी जम्प्ड हाई टू थ्रो द काइट विद मोर फोर्स, ताकि वो और जोर से ऊपर की तरफ उछाल सके। हाउ डिड द काइट फील व्हेन इट स्टार्टेड फ्लाइंग, जब वो उड़ना शुरू कर चुकी थी, उड़ने लगी थी, तो उसे कैसा लग रहा था। इट इज़ वेरी सिंपल, द काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड, उसको खुले आसमान में दूसरी काइट्स के साथ उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। Why did Ravi's kite call the purple kite a monster? रवि की काइट ने पर्पल काइट को मॉन्स्टर क्यों कहा था, बिकॉज इट वॉज वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एंड इट कुड हर्ट द अदर काइट्स, क्योंकि वो दूसरी काइट्स को नुकसान पहुँचा सकती थी। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड आई विल बी गिविंग आंसर्स राइट नाउ। अभी मैं आपको PDF भी देने वाली हूँ इन आंसर्स की। सो टुडे विल बी डूइंग दिस एंड वन मोर डिस्कशन आई वॉन्ट टू फिनिश टुडे इज एक्सरसाइज सी हेयर। I'll just focus on exercise C here and rest of the exercises we'll do it later, discuss in class. So just a small discussion, what kind of a day is good for flying kites? As we have done in answer number 1 here, it was a clear and breezy day. That means you can just take your suggestions from this answer, that what day is very perfect for flying kites. Kite flying ke liye sabse acha din kaun sa rahega, when it is clear, like the sky is clear and like it should be a clear and breezy day, थोड़ी बहुत हवा चल रही हो और बिल्कुल साफ आसमान हो, तब मज़ा आता है काइट उड़ाने का। सो वी कैन यू नो आंसर इट लाइक दिस।
वाई डिड द लिटल रेड काइट नॉट वॉन्ट टू फ्लाई एट फर्स्ट, वो उड़ना क्यों नहीं चाहती थी पहली बार में. इसके लिए आप यू कैन गिव 2-3 आंसर्स, लाइक इट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, इट इज़ इन द चैप्टर एक्चुअली. इट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज इट वॉज अफ्रेड और स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग डाउन. इट वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट बाय द शार्प ब्रांचेज एंड द बुशेज अराउंड देयर. वो आसपास के चीज़ों से डर रही थी कि उसे चोट लग जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी. सो दिस सो मेनी अदर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर रिलेटेड टू दिस. सो लेट मी जस्ट फोकस अगेन ऑन द आंसर्स वी हैव डन हियर. वी हैव डन द मल्टीपल चॉइस लाइक टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज टुडे एंड वी हैव डिस्कस द आंसर्स टुडे हियर. And I'll be giving you the PDF. So your homework, I am again telling you, your homework is simply to write down the answers in your reader notebooks. All 5 answers I'll provide you. So this is the end of the session because you need time to copy the answers also. Bye-bye from my side. See you soon tomorrow or in the next session. Sorry. Bye.